नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अक्षय जाखड़ और आपका मेरे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम रिव्यू करेंगे जेसीबी 3DX का, जो कि काफ़ी फेमस मॉडल है जेसीबी एक्सकवेटर बैक हॉय लोडर का। तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। किसान भाइयों, तो ये देखिए फ्रंट में जो लोडर दे रखा है तो उसकी लिफ्ट कैपेसिटी है 1800 kg, यानी कि 18 क्विंटल लिफ्ट कैपेसिटी के साथ। और ये देखिए इसकी आर्म्स दे रखी है फ्रंट में, जो काफ़ी हैवी ड्यूटी आर्म्स इसमें आपको देखने को मिलेगी किसान भाइयों। और वहीं जो जेसीबी है तो इसकी फुल फॉर्म है जोसेफ सिरिल बेनफोर्ड, यानी कि इन्होंने जेसीबी का डिज़ाइन है वो तैयार किया था शुरुआत में। तो इसमें आपको फ्रंट टायर है वो 916 के देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। ये देखिए फ्रंट के टायर है वो 916 के दे रखे हैं और इसका हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है जो काफ़ी मजबूत है और डबल एक्टिव पावर स्टेयरिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा। और वहीं काफ़ी मतलब के बड़े और मजबूत आर्म्स दे रखे हैं इसके। और इसका इंजन है किसान भाइयों तो वो 76 HP का इंजन दिया गया है इसका, जो कि 4800 cc का 4 सिलेंडर इंजन है और टर्बो चार्ज के साथ में ये मिलने वाला है। और वहीं एयर क्लीनर है वो 4 स्टेज एयर क्लीनर दे रखा है विद बीप सेंसर के साथ में, जो कि ड्राई एयर क्लीनर इसमें देखने को मिलेगा। और फ्रंट में ये लाइट दी गई है, तो ये देखिए यहाँ पे इको की ब्रांडिंग की गई है, इको एक्सीलेंस, यानी के माइलेज में बेहतर और हर काम में मतलब के सबसे आगे और स्मूथ चलने वाली गाड़ी है ये। तो डबल फुटस्टेप इसमें देखने को मिलेंगे, ये देखिए डबल फुटस्टेप दिए गए हैं। वही ये टैंक जो दिया गया है तो ये है ऑयल के लिए, यानी कि ये जो हाइड्रोलिक है पंप है तो उन तक तेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच के, इसके लिए ऑयल टैंक दिया गया है ये। तो अभी इसके अंदर डैशबोर्ड चेक कर लेते हैं इसका। तो देखिए इजी स्टेयरिंग व्हील दे रखा है, 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील इसमें मिलने वाला है किसान भाइयों। और वहीं स्टेयरिंग को घुमाने के लिए नॉब दिया गया है, ये देखिए नॉब है स्टेयरिंग को घुमाने के लिए। तो ये भाई साहब है, इन्होंने जैसी भी ली है ये। तो इसकी कीमत मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और ये देखिए जेसीबी का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है इसके अंदर, तो ये ड्राइवर व्यू है किस प्रकार से देखिए। और यहाँ पे ये हॉर्न के लिए स्टिक दी गई है और इधर वाली साइड में इंडिकेटर और लाइट के लिए दिया गया है ये। तो ये जॉयस्टिक है फ्रंट लोडर के लिए, जॉयस्टिक दी गई है। और वहीं इसके अंदर आपको 4 गियर है वो देखने को मिलेंगे, ये देखिए 4 गियर स्पीड दी गई है इसके अंदर। और डिजिटल डैशबोर्ड दिया गया है किसान भाइयों इसके अंदर। तो ये टायर के साइज़ है वो दे रखे हैं, इसके अंदर आते हैं तो डबल, ये देखिए डबल ब्रेक्स दिए गए हैं विद सस्पेंडेड पेडल और स्टाइलिश टाइप के दे रखे हैं, इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और ये फ्यूल गैस दिया गया है, तो इसके अंदर क्या है कि डीजल टैंक है उसका मतलब कि जानकारी मिलती रहेगी आपको। और ये डैशबोर्ड है यानी के कंट्रोलर है, तो इसके अंदर क्या है कि आपको इंजन के बारे में जानकारी मिलेगी, जो भी मतलब कि कितने RPM पे चल रहा है। और ये दिया गया है इसके लिए पावर चार्जर 12 वोल्ट का मिलेगा यहाँ पे आपको, फ़ोन के लिए जगह भी काफ़ी देखने को मिलेगी यहाँ पे। और इसका जो केबिन है किसान भाइयों तो वो काफ़ी मतलब के विजिबिलिटी देखने को मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि ये जो केबिन है ये टिंटेड केबिन दे रखा है इसका, तो ये चारों साइड से ओपन होता है डोर है जो इसके। और ये पिछली जो स्टिक है बैक हॉय एक्सकवेटर के लिए, तो उसकी लिफ्ट कैपेसिटी है 1500 kg, यानी के 15 क्विंटल लिफ्ट कैपेसिटी उसमें देखने को मिलेगी। तो देखिए
कितनी बेहतर विजिबिलिटी इसके अंदर है जो आपको दिखाई देगी। और वहीं कंपनी इसके अंदर क्या है कि एक जो फ़ैन है वो देती है, ये देखिए फ़ैन दिया गया है। और सीट है जो ड्राइवर सीट है वो काफ़ी स्मूथ है इसकी, मतलब कि आरामदायक सीट इसमें देखने को मिलेगी। और उस पे जेसीबी की ब्रांडिंग की गई है, तो अभी क्या है कि कवरिंग हो रही है इसकी, तैयार कर रहे हैं, थोड़ा फिल्म्स लगा रहे हैं जो इसके ग्लास है उन पे, ताकि जो गर्मी है वो केबिन के अंदर कम रहे इसके लिए। तो ये देखिए सीट है वो काफ़ी स्मूथ दी गई है इसकी, और ये हैंडल दिया गया है यानी कि ओपन डोर के लिए यहाँ पे। और पिछले टायर है तो ये देखिए टायर 16/9/28 के R4 टायर दिए गए हैं, और स्टील व्हील 10 बोल्ट XL डिज़ाइन दिया गया है इसका, मतलब कि जो पिछले रिम है उनके अंदर 10 बोल्ट XL डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा। तो ये डबल हाइड्रोलिक्स है जो काफ़ी, जो कि जेसीबी को ऊपर उठाने के लिए दिए गए हैं किसान भाइयों। और ये पीछे टेल लाइट है यानी कि इंडिकेटर बोल सकते हैं इसे, टेल लाइट भी बोल सकते हैं, जो कि केबिन के ऊपर दी गई है टॉप पे। तो यहाँ भी आपको डबल जो पंप है हाइड्रोलिक्स है वो देखने को मिलेंगे। और हेवी आर्म्स दे रखी है जो पिछली, तो ये 3DX की ब्रांडिंग ऊपर की गई है कॉर्नर पे बिल्कुल। तो ये देखिए मजबूत और कंस्ट्रक्शन के काम में और छोटे मोटे कामों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस 3DX है ये, थर्ड जनरेशन जेसीबी। तो ये बकेट है पिछली, एक्सकवेटर बोलते हैं जिसे। तो इसका मतलब कि लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1500 kg है किसान भाइयों, लिफ्ट कैपेसिटी है जो। तो यहाँ पे भी आपको जेसीबी की ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगी, और ऊपर वाली साइड में 3DX की ब्रांडिंग की गई है। तो देखिए कितना स्टाइलिश केबिन दे रखा है, दोनों साइड पे डबल फुट स्टेप मिलने वाले हैं। और ये फ्यूल टैंक है, तो ये 128 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है, और ये कुछ जानकारी दी गई है, तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं कौन सा मॉडल है, कितनी पावर है इसकी, तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये अल्टीनेटर दिया गया, काफ़ी बड़ा 4 सिलेंडर इंजन है इसका, 4800 cc का, और 76 HP का। फ्रंट में लाइट है वो मिलेगी आपको, और हेवी मजबूत आर्म्स दी गई है। फ्रंट में ग्रिल दी गई है जो ब्लैक कलर में है, और इसका येलो कलर ही आता है किसान भाइयों। तो कीमत की बात करें इसके, तो ये 16 लाख से 29 लाख तक की कीमत में आती है जेसीबी, और इसकी कीमत है 25 लाख रुपए, जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं इसकी कीमत 25 लाख रुपए है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लेना। लव यू ऑल, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।